पंकज झा ने बात की है माफ कीजिएगा, हम आपको दूसरी खबर दिखाते हैं। पहले राजनाथ सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। चुनाव के दिन की बात कर लेते हैं। चुनाव के दिन पार्टी अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। मौजूदा विधायक और उन्नाव सदर से एक बार फिर बीजेपी के उम्मीदवार पंकज गुप्ता को सुनिए। उन्नाव सदर से वर्तमान विधायक पंकज गुप्ता एक बार फिर से चुनाव मैदान में है, बीजेपी से उम्मीदवार है। अपनी जीत पिछली बार का दोहरा पाएंगे, सीट नंबर बढ़ा पाएंगे, वोट कम होगा, क्या होगा, क्या उम्मीद है? देखिए, निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र में हो चाहे उत्तर प्रदेश में, पिछले 5 साल में जो जनता से जुड़ी हुई योजनाएं गरीबों तक पहुंचाने का काम हुआ और विकास भी हुआ, इन सारे विषयों को लेकर हम लोग जनता के बीच में हैं। वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा भाजपा का, लीड भी बढ़ेगी भाजपा की, और मुझे लगता है जनपद की 6 की 6 सीटें हम लोग जीतेंगे। एक मुद्दा जो सुर्खियाँ बना आपके ज़िले में वो है आवारा पशुओं का। प्रधानमंत्री ने कुछ वादे किए हैं, आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, वो कितना बड़ा मुद्दा है, क्या उसका नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, हमारे क्षेत्र में तो बेसहारा पशुओं की कोई समस्या नहीं है, विशेषकर उन 9 विधानसभा में। हाँ, जनपद में और प्रदेश में कई जगह सुनने को मिलती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए कहा भी है, जनता को, आम जनमानस को प्रधानमंत्री जी की बात पर पूरा भरोसा है, और उस भरोसे के आधार पर मैं कह सकता हूँ यह अब मुद्दा नहीं रहा। मतलब आप पूरा पिछली जीत आप दोहराने जा रहे हैं, ये वादा? उससे ज़्यादा ली होगी। तो सभी के अपने अपने दावे हैं, अपनी जीत को लेकर सभी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उन्नाव सदर सीट से अभिनव कुमार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। अभिनव को भी अपनी जीत का पूरा भरोसा है, उनको भी सुनिए। उन्नाव सदर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अभिनव कुमार इस बार चुनाव मैदान में हमारे साथ वो खुद हैं। क्या उम्मीदें हैं आपकी? आपने वोट डाली है, पहले तो ये बताइए। अभिनव कुमार ने वोट डाला है, ये देखिए, हम चूंकि सबसे ये अपील करते हैं कि लोग बड़ी संख्या में वोट डालें, क्या उम्मीद है आपको इस बार लोगों से? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आपके जरिए अपने इस बार ये उम्मीद है कि जनता के अंदर बहुत गुस्सा है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने पिछले 5 साल में कोई कार्य नहीं किया, सब झूठ बोला है, कोई विकास का कार्य नहीं हुआ, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, महंगाई बहुत बढ़ गई है, किसानों की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है, आय दुगनी की बात हो रही थी, आय आधी हो गई है, यही सब समस्या लेके हम जनता के बीच में, और मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार जनता समाजवादी पार्टी का साथ दे रही है। ABP News, आपको रखे आगे।